देश भर में आज से कई नियम बदलने वाले हैं और नियमों के बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। जहां कुछ जगहों पर राहत मिलेगी तो वहीं कुछ जगहों पर आपकी जेब पर बोझ भी बढ़ने वाला है। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे नियम, ड्राइविंग लाइसेंस का बदलेगा रोल, पेट्रोल डीजल पर नहीं मिलेगा कैशबैक, कई चीजों पर जीएसटी की दरों में आएगी कमी, कई चीजों पर बढ़ जाएगा जीएसटी, एसबीआई लागू करेगा नए नियम, बदल जाएगी पेंशन पॉलिसी, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन। 1 अक्टूबर यानी कि मंगलवार से कई चीजों के नियम बदल जाएंगे और ये बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। खासकर बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी को लेकर बैंक और सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव किए हैं। इन नियमों का सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें 1 अक्टूबर से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर 2019 से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल जाएगा। नए नियम के तहत आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा, हालांकि इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी हो जाएगी। इस नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रंग भी बदल जाएगा। दरअसल वर्तमान में पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रंग अलग अलग होता था, लेकिन अब जो नया नियम लागू होगा उसके बाद दोनों के रंग एक समान हो जाएंगे। नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा QR कोड भी दिए जाएंगे। 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदलेगा। नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा, लाइसेंस के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी। ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का बदलेगा रंग। नए नियम के बाद दोनों का रंग होगा समान। लाइसेंस में माइक्रोचिप के अलावा दिए जाएंगे QR कोड। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट ऑफ इंडिया की। SBI भी 1 अक्टूबर से नया नियम लागू करने जा रहा है, जिसका असर देश भर के करीब 32 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा। नए नियम के तहत बैंक की तरफ से निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर जुर्माने में 80% तक की कमी आ जाएगी। SBI लागू करेगा नया नियम, 32 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा नए नियम का असर। बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाने पर चार्ज में कटौती, MAB को मेंटेन नहीं करने पर 80% तक जुर्माने में कमी, मिनिमम एवरेज बैलेंस घटकर 3,000 रुपए हो जाएगा, बैलेंस 75% से कम होने पर देना होगा जुर्माना, जुर्माने के तौर पर 80 रुपए प्लस GST चार्ज देना होगा, 50 से 75% कम बैलेंस वालों को 12 रुपए और GST देना होगा। SBI मेट्रो सिटी ग्राहकों को 10 फ्री ट्रांजैक्शन देगा, अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे। GST काउंसिल की 37वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में कई चीजों से टैक्स का बोझ कम किया गया है। GST काउंसिल की बैठक में सबसे बड़ी राहत होटल इंडस्ट्री को मिली है। अब 1,000 रुपए तक किराए वाले होटल के रूम के लिए टैक्स नहीं लगेगा, वही इसके बाद 7500 रुपए तक के टैरिफ वाले रूम के लिए किराए पर अब सिर्फ 12% GST देना होगा। GST काउंसिल ने 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया है। काउंसिल ने स्लाइड फास्टनर्स पर GST को 12% कर दिया है। कई चीजों पर कम होगा GST, होटल इंडस्ट्री को मिलेगी राहत, 1,000 रुपए तक के किराए वाले होटल रूम टैक्स फ्री, 7500 रुपए तक के किराए वाले रूम के लिए 12% GST देना होगा, 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल डीजल वाहनों पर सेस घटा, स्लाइड फास्टनर्स पर GST को 12% किया गया, पेट्रोल डीजल को ऑनलाइन खरीदने वाले ग्राहकों को अब फायदा नहीं मिलेगा। SBI क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डीजल खरीदने पर अब आपको 0.75% कैशबैक नहीं मिलेगा। नियम लागू होने से पहले ही SBI अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर सूचना दे रहा है कि वो अपनी इस सुविधा को बंद करने जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक SBI के क्रेडिट कार्ड के जरिए पेट्रोल डीजल खरीदने पर ग्राहकों को 0.75% कैशबैक मिलता था, लेकिन अब HPCL, BPCL और IOC ने कैशबैक स्कीम को वापस लेने का निर्देश दिया है। इसके अलावा
बदल जाएगी पेंशन पॉलिसी और सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी लग जाएगा बैन। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।